ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है और एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर कोई भी एक, लेट अस सपोज कोई कार है, ये मूव करती है, दिस इज अ कार जो मूव कर रही है, ठीक। और मैंने आपको ये बताया कि इस कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की यहां से यहां तक, कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की, लेट अस सपोज वो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 10 मीटर कवर की, ठीक, 10 मीटर कवर की, सही हो गया। और कितने टाइम में कवर की, लेट अस सपोज 10 सेकंड में कवर की, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की कितने टाइम में कवर की, 10 सेकंड में कवर की। अब मैंने आपसे ये पूछा फाइंड वेलोसिटी, तो आपने क्या बोला, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। मैंने पूछा व्हाट इज स्पीड, आपने कहा वो भी 1 मीटर पर सेकंड। मैंने पूछा वो क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना, उसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो फर्क तो पड़ता नहीं है कोई भी। तो आपने कहा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किया तो हमें आपके पास स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टाइम किया तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड, डन, सही है, बिल्कुल सही है। अब इस ड्राइवर ने जो मुझे कहा कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, 1 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चला रहा हूं, मैंने कहा ओके। जब मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो मैंने इसे पूछा कि मुझे ये बता कि तेरी कार यहां से यहां आई होगी, यहां से यहां आई होगी, यहां से यहां आई होगी और फिर यहां भी गई होगी, कवरिंग अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। तो मैंने पूछा कि जो पहले 2 मीटर तूने डिस्टेंस कवर किया, या अगला 2 मीटर कवर किया, या अगला 2 मीटर कवर किया, या अगला 2 मीटर कवर किया, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ओके, एक और लेते हैं, एक और डिस्टेंस कवर किया, ये ले 2 मीटर, राइट। तो मुझे ये बता कि पहला 2 मीटर तूने कितने टाइम में कवर किया, तो उसने कहा पहला 2 मीटर मैंने 2 सेकंड में कवर किया, डन। उसने मुझे बताया कि पहला 2 मीटर 2 सेकंड में कवर हुआ। मैंने पूछा कि अगला 2 मीटर कितनी देर में कवर किया, उसने कहा अगला 2 मीटर मैंने सिर्फ 1 सेकंड में कवर किया था। मैंने पूछा अगला 2 मीटर, तो अगला 2 मीटर वो बोल रहा है कि मैंने कितनी देर में कवर किया, 5 सेकंड में कवर किया, जबकि पूरी जर्नी कितनी देर में कवर हुई थी, 10 सेकंड में, और कितना टाइम हो चुका, 2 + 1 = 3 + 5, 8 हो गया। तो मैंने पूछा अगला 2 मीटर, तो बोलता है कि 1 सेकंड में, और अगला 2 मीटर 1 सेकंड में, राइट, ठीक, उसने लिखवा दिया। अब मैंने पूछा कि ये बता कि पहले इंटरवल में तेरी स्पीड कितनी है, तो वो बोलता है कि 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतना आएगा 1 मीटर पर सेकंड, क्या ये स्टेप क्लियर है। तो उसने बोला कि मेरी स्पीड पहले 2 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने पूछा कि अगला इंटरवल में तेरी स्पीड कितनी है, तो वो बोलता है 2 मीटर को 1 सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ये भी क्लियर है यहां तक। तो पहले इंटरवल में स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे इंटरवल में स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे इंटरवल में स्पीड कितनी है, 2/5 मीटर पर सेकंड, राइट। अगले इंटरवल में स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, अगले में कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं ये कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे से पूछा कि तेरी स्पीड कितनी है, तो वो क्या बोला, 1 मीटर पर सेकंड, और जब मैंने डिटेल पूछी तो स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड तो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो मुझे क्या बता रहा था, वो मुझे बता रहा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड, तो 10 मीटर इन 10 सेकंड वो भी सही था, लेकिन सही तो मैं भी हूं। अब वो एग्री करता है कि ठीक है यार, आपकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, जबकि आपने लोगों को क्या बताया कि मेरी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब मैंने सोचा कि चलो और डिटेल में चलते हैं, और जब मैं और डिटेल में गया तो मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया, मैंने अब उसको ये बोला कि चल ठीक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस बार मैंने जो डिस्टेंस है वो डिवाइड कर लिया किस में, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, एंड ऐसे 10 मीटर को 1-1 मीटर में डिवाइड किया।
जबकि पहले एग्जाम्पल में मैंने कैसे किया था, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मैंने और डिटेल में चला गया। अब मैंने पूछा कि अब बता क्या हुआ, तो वो बोलता है कि 1 मीटर इज कवर्ड इन 1 सेकेंड, ओके। अगला 1 मीटर इज कवर्ड इज इन 1 सेकेंड, ओके। अगला 1 मीटर इज कवर्ड इन 2 सेकेंड, अगला 1 मीटर इज कवर्ड इन 3 सेकेंड, कितने सेकेंड हो गए, 5, 6, 7 सेकेंड। तो ऐसे ही फिर वो 0.5 सेकेंड, अगला 0.5 सेकेंड, करते करते 10 सेकेंड पूरे हो गए। मतलब अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आया, 10 मीटर। और ऐसे ही अगर मैं टाइम को ऐड करूंगा तो मान लो मेरे पास टोटल टाइम भी क्या आता है, 10 सेकेंड। पर मैंने इंटरवल्स चेंज कर दिए, मैंने इंस्टेड ऑफ 10 मीटर को पहले क्या किया था, 2 2 मीटर, अब मैंने क्या किया, 1 1 मीटर। अब मैंने पूछा तेरी गाड़ी बता कैसे चलती है, वो क्या बताता है, अब मेरी गाड़ी चलती है विद 1 मीटर पर सेकेंड, इस इंटरवल में 1 मीटर पर सेकेंड, इस इंटरवल में 1/2 मीटर पर सेकेंड, इसमें 1/3 मीटर पर सेकेंड। अरे मैंने कहा ये क्या गड़बड़ है यार, मैं जितने इंटरवल छोटा करता जा रहा हूं तेरे तो आंसर ही चेंज होते जा रहे हैं, ये भी पॉइंट है। यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ही दूर रह गया, 1 मीटर पर सेकेंड तो आंसर बना ही नहीं। तो जो हमें पहला आंसर मिला था इसका मतलब वो तो आंसर सही बैठ ही नहीं रहा। दूसरा जब आंसर लिया 2 2 मीटर के इंटरवल्स पे, जब पूरी डिटेल को हमने पूरी डिटेल में इसको डिस्कस किया, आंसर चेंज हो गया। और जब 1 1 मीटर पे गए आंसर फर्दर और चेंज हो गया, एग्री करते हुए चीज। अब मैंने कहा ठीक एक और गेम खेलते हैं, इंटरवल डिवाइड और तोड़ दो, कितना, 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, आंसर फिर चेंज हो गया। अब किसी ने कहा सर अच्छी तो कमाल हो गई, इंटरवल और तोड़ो, 0.3 मीटर 0.3 मीटर 0.3 मीटर 0.3 मीटर करके 10 मीटर पूरा करो, आंसर फिर चेंज हो गया। इसका मतलब कि जो आप आज तक 9वीं 10वीं 8वीं जो भी पढ़ के आए उसके अंदर आपको सिखाया गया कि टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, टोटल टाइम 10 सेकेंड, तो आपसे पूछा स्पीड कितनी, आपने बोला 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप निकाल क्या रहे थे, ये जो वेलोसिटी थी ये आपकी एवरेज वेलोसिटी थी। आप सारा काम किस में करके आए, एवरेज में कर आए, क्योंकि वो ड्राइवर बिल्कुल सही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैंने आपको हर वक्त की वेलोसिटी थोड़ी ना बताई कि वन है, मैंने तो ठीक वैसे ही काम किया जैसे आप एक वन डे मैच देख के आ रहे हैं क्रिकेट का, और आपने पूछा स्कोर क्या है, तो मैं आपने स्कोर की एवरेज क्या है, मैंने बोला 6 की एवरेज चाहिए जीतने के लिए। अब मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि फर्स्ट बॉल पे तो छक्का मारना पड़ेगा, सेकंड बॉल पे चौका मारना पड़ेगा, उसके बाद बॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी तो जाके 6 की एवरेज आएगी। यानी कि अगर हम जितना भी डिटेल में जा रहे हैं आपके आंसर हर इंस्टेंट पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और इस केस में हम क्या निकाल रहे थे इससे पहले, एवरेज, टोटल बाय टोटल क्या आ रही थी, एवरेज। तो पॉइंट यह समझ में आया सबसे पहले कि अब हमारी फिजिक्स एवरेज पे काम नहीं करेगी, हम इस पे काम नहीं करेंगे, भाई टोटल डिस्टेंस कितना, आपने कहा 10, मैंने कहा टोटल टाइम कितना, मैंने कहा 10, आपने कहा 10 बटा 10, आंसर इज 1, डन ना, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स में काम करेंगे और हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है इसको हम और माइन्यूटली चेक करेंगे, ठीक। अब अगर आप इंटरवल की बात करते हो तो इंटरवल तो जितना छोटा इंटरवल होता जा रहा है आपका आंसर चेंज होता जा रहा है। पहले मैंने 10 मीटर को 2 2 में डिवाइड किया, फिर मैंने 10 मीटर को 1 1 में डिवाइड किया, फिर मैंने 10 मीटर को 0.5 में डिवाइड किया, फिर 0.3 0.2 0.1, आपने कहा बस नहीं बस क्यों 0.01 0.01 0.01, आपने कहा बस नहीं बस क्यों 0.02 0.02 0.001 0.001 0.001 0.001, आपने कहा और छोटा, मैंने कहा 0.0001 0.0001 0.0001। जिंदगी खत्म हो जाएगी, जीरोस खत्म नहीं होंगी, इतने छोटे इंटरवल बन सकते हैं। आप लोगों को इतना तो पता है कि इनफाइनाइट इंटरवल में एक लाइन को तोड़ा जा सकता है, एग्री करते हो। तो इंटरवल्स कैसे बनाऊंगा, यानी कि मैं सारी जिंदगी बैठा रहूंगा, मेरे को एग्जैक्ट स्पीड कभी जिंदगी में किसी गाड़ी की पता लग ही नहीं सकती, इसका मतलब मैं एवरेज के साथ ही काम करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको फिजिक्स में, या इसके लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए जो इंटरवल्स में हमने जा रहे हैं जाना है स्मॉल स्मॉल इंटरवल में जा, क्योंकि इतना तो पता लग चुका है कि जितने छोटे इंटरवल में जाएंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, जितना बड़ा इंटरवल में जाएंगे एक्यूरेसी उतनी कम आएगी, एवरेज में काम आएगा, और जितने इंटरवल छोटे करते जाएंगे एक्यूरेट आंसर देने में हम सक्सेस पालेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इंटरवल छोटे के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, राइट, क्लियर है यहाँ तक।
अब इंटरवल अगर बहुत छोटा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत छोटा इंटरवल है, अगर मुझे उस लेवल पे काम करना है तो मेरे को एक स्पेशल किस्म का मैथ्स आना चाहिए। तो यानी कि फिजिक्स को चलाने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं। फिजिक्स तो चल ही रही थी हमारी, पर हम इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, अब आप बाहर कैसे आए। तो इसके लिए स्पेशल मैथ्स आना चाहिए, जिसको आप मैथमेटिकल टूल बोलते हैं आपकी फिजिक्स में। आप कोई किताब लेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेगी चैप्टर, मैथमेटिकल टूल। वो इसलिए उस मैथ्स के टूल की हेल्प से फिजिक्स आगे चलेगी। उस मैथमेटिकल टूल का नाम क्या है, उस मैथमेटिकल टूल का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कैलकुलस मैथमेटिक्स की ब्रांच है। प्लस टू के अंदर कैलकुलस नॉन मेडिकल वालों को बहुत डिटेल में है, और मैथ्स के टीचर आपको बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलस सिखाएंगे। आप कहोगे फिर हमारी फिजिक्स कहाँ रह गई, क्योंकि अगर मुझे ये गाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और ज़्यादा एक्यूरेट सॉल्व करनी है, और मैंने आपको बता दिया कि बीच में क्या चाहिए आपको, मैथमेटिकल टूल कौन सा, कैलकुलस, तो क्या फिजिक्स सॉल्व नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब हमें फिजिक्स छोड़ के क्या सीखना पड़ेगा, पहले कैलकुलस मैथ्स। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास आपकी फिजिक्स की लगेगी नहीं, क्योंकि फिजिक्स तो अटक गई। और फिजिक्स को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक स्पेशल किस्म मैथ्स की, जिसका नाम है कैलकुलस। तो इसलिए अब प्लस टू की वेट तो करेंगे नहीं, कि नॉन मेडिकल वाले कब प्लस टू करेंगे, फिर चलो हम फिजिक्स सीख लेंगे, और मेडिकल वाले तो सदा ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे। तो आपके प्लस वन का पहला टॉपिक क्या होगा, कैलकुलस। अब ये गाड़ी चल पड़ी, मान लो मैंने आपको कैलकुलस सिखा दिया, आपको छोटे छोटे इंटरवल में काम करना आ गया, कैलकुलस भी आ गया, छोटे इंटरवल में काम करना भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मैंने ये पूछ लिया कि गाड़ी की स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, आप और वो गाड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, राइट। और मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड क्या है, ये बताओ। अब क्या गाड़ी में बैठोगे? मैं गाड़ी में बैठता हूँ, टाइम नोट कर लेता हूँ, चलो स्टॉप फॉर स्टार्ट, 1 घंटे बाद हो सर ये स्पीड हुई। कैसे? आप मोशन की इक्वेशन लगाओगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यू पता है, वी निकालना है, ए पता है, टी पता है, सुना है ना ये, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसे, बट हमारे पास ऐसी फिजिक्स की इक्वेशन हैं जिससे कि हमें क्या पता लग सकती हैं, वेलोसिटीज पता लग सकती हैं आफ्टर अ फिक्स टाइम। ऐसे ही करते आए हैं हम, क्लियर है यहां तक? तो उस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। तो हम गाड़ी को जब चलेगी गाड़ी, वो किसमें, जो गाड़ी जब चलती है हम क्या बोलते हैं, वो गाड़ी किसमें, इन मोशन। तो हम कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हुआ, मोशन। अब मोशन की क्या प्रॉब्लम है, मोशन की ये प्रॉब्लम है, गाड़ी सीधी भी चल सकती है, गाड़ी सड़क पे इंसेक्ट की तरह टेढ़ी मेढ़ी भी चल सकती है। अगर तो चली सीधी, हम बोलते हैं इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन। और अगर गाड़ी मोड़ी दो तरीके से, कभी इधर कभी इधर, तो एक्स वाई प्लेन, सुने आपने मैथ्स में, वाई प्लेन, एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो गाड़ी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, इसका मतलब इट इज मोशन इन 2D। और ऐसा भी हो सकता है मैं पतंग उड़ा रहा हूं, पतंग का क्या भरोसा, कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर नीचे, कहीं पर भी आएगी पतंग, ऐसे ही होता है, ठीक। तो ऐसे केस में आपका जो ठीक, तो ऐसे केस में आपका जो जो बॉडी है आपकी, ये किसमें मूव कर रही है, इन 3D, क्योंकि वो कहीं पर भी मूव कर रही है, 1D, 2D एंड 3D कहीं भी मूव करेगी। तो ये पूरा चैप्टर किस कैटेगरी में आ रहा है, मोशन। मोशन कैसी भी हो सकती है, तो आपके फिजिक्स के सिलेबस में जो नया टॉपिक आएगा उसका नाम क्या होगा, मोशन।
और जब हम बॉडी को मोशन में स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की एक ब्रांच जो कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है उसको स्टडी करवाती है, उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच होगा कैलकुलस के बाद पूरी मोशन को स्टडी करना, उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेमेटिक्स। तो मान लो आपको कैलकुलस भी आ गया एक दिन, आपको गाड़ी चलती हुई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे चलती है, उसकी हर वक्त क्या वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी कैसे निकलती हैं, सब समझ में आ गया। अब वो गाड़ी मोशन में आई कैसे? किसी ने क्या लगाई उसके ऊपर? फोर्स। और फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? न्यूटन के लॉस, सबको पता है इनर्शिया, न्यूटन के लॉस। तो अगला चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में अगर है तो मोशन में कैसे आई। तो चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स। अब फोर्स क्या है? आप कहते हो पुश या पुल, मैंने उठा के इसको धक्का मारा ये गिर गया, इधर सर ने मुझे फोर्स लगाई। ओके, बात समझ में आती है। ओके, इमेजिन करो ये कार है, ये कार है, एक बैग पड़ा है, या ट्रेन है, एक बैग पड़ा है, ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, बैग कहां जाएगा? थोड़ी देर के बाद बैग पीछे पीछे खिसकता जाएगा, कोई उसे टच नहीं करेगा, फिर भी बैग कहां पर आ गया? इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अब किसने फोर्स लगाई बताओ? मैंने तो नहीं लगाई, किसने नहीं लगाई, फिर भी बैग पीछे आ गया। आप खड़े हैं किसी बस में, बस एकदम तेज एक्सलरेट करती है, आप पीछे गिर जाते हैं। आप किसे कंप्लेंट करोगे? किसने फोर्स लगाई? ये तो बोल सकते हैं सर ने फोर्स लगाई। आप उस केस में किसे कंप्लेंट करोगे? आप कहोगे बस ला बस तेज चला रहा है। भाई तेज चलाने में क्या दिक्कत है? तेज चलाए तो आप पे फोर्स कौन लगा रहा है? तो हम ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में? चैप्टर फोर्स। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है, हमने मान लो फोर्स भी सीख लिया, अब सपोज करो मुझे पता लग गया कि किसकी चीज को कैसे चलाना है, मैंने एक बैग उठाया या मैंने एक बॉडी को उठाया और सड़क पे जाके धक्का मारना शुरू कर दिया। धक्का मारा तो मैंने देखा उसमें चिंगारियां भी निकलती, लोहे की चीज है, मान लो लोहे का बॉक्स है, चिंगारियां भी निकलती हैं और मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको धक्का मारने के लिए। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं, मेरे से मूव क्यों नहीं कर रही? तो कोई ना कोई, मुझे लग रहा है कोई अपोजिशन फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉक्स पे, और वो फोर्स ऑफ अपोजिशन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने सुना होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप सड़क पे कोई चीज चलाते भी हो, कोई चीज घिसटती है, तो उस पर क्या अप्लाई होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगला चैप्टर आपका क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन सीक्वेंस कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मान लो आपने फ्रिक्शन सीख लिया, फ्रिक्शन सीखने के बाद आप एक चीज नोट करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, ये 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे इस पूरे फोर्स एंड फ्रिक्शन तक पहुंचने में, कि मैं अपनी किसी भी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहा हूं। अब देखेंगे हम जो 3 महीने काम करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन पे काम करवाएंगे कि कोई बॉडी कब कितनी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन बॉडी गोल भी तो घूम सकती है। तो हम राउंड अबाउट पे जाते हैं, कार को गोल घुमाते हैं, और अगर तेज घुमा दी आपकी कार पलट सकती है। रेस में जाते हैं, कार जो चला रहे होते हैं उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं, उनको कैसे, या कोई बेंड करता है, बाइक वाला बेंड करता है, बहुत बेंड कर लेते हैं अपने आप को ताकि वो स्लिप ना हो जाए। हम भी साइकिल चलाते हैं तो अपने आप को बेंड करते हैं मोड़ पे जाके, क्यों बेंड करते हैं भाई? और देखो जितनी तेज स्पीड है उतनी ज्यादा बेंडिंग है, एक टाइम भी तो आएगा जब हम स्लिप कर सकते हैं। या आप हिल स्टेशन पे जाओ, लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, इसी ऊपर चलाई तो आप खाई में गिर सकते हो। भाई कैसे? उन्होंने तो गाड़ी नहीं चलाई, खाई में नहीं गिरे, फिर भी बता देते हैं लोग कि हाँ इतनी स्पीड के ऊपर अगर आप चलेंगे उसके बाद तो पलटेगी पलटेगी गाड़ी, क्योंकि उनको एक कॉन्सेप्ट पता है किसका? सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में फोर्सेस कैसे काम करती हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है नेक्स्ट? सर्कुलर मोशन। राइट, आप समझ रहे हो सीक्वेंस क्या चल रहा है। आपको सर्कुलर मोशन भी आ गया, आपको सडनली रियलाइज हुआ कि आप फोर्स लगाते जा रहे हो 4 महीने के लिए, और सच में अगर आपने फोर्स लगानी शुरू कर दी बॉडीज के ऊपर आप ना थक जाओगे, और मैं सच में बक्से को धक्का मारूंगा थक जाऊंगा, और अगर मैं थकूंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे सर क्यों थक गए, मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि मैंने क्या किया? वर्क किया, मैंने काम किया। तो अगले चैप्टर का नाम वर्क डन। तो उसने पूछा वर्क डन कैसे किया, मैंने कहा देख ये बैग यहां पड़ा था, बैग वहां चला गया, मैंने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई,
और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, क्या हुआ, वर्क डन, एग्री करते हो, यही होता है ना। इसका मतलब वर्क डन सीखना पड़ेगा, लेकिन वर्क डन कब आएगा, जब आपको फोर्स आएगी। फोर्स कब आएगी, जब आपको मोशन आएगा। मोशन कब आएगी, जब आपको कैलकुलस आएगा। इसके आगे गाड़ी चल ही नहीं रही, आपको आपने वर्क डन भी कर लिया, आप अब खाना भी खाओगे, काम करके आए हो, तो खाना खा के क्या आएगी, एनर्जी। तो अगला चैप्टर का नाम एनर्जी। भाई एनर्जी कहाँ से लाओगे, तो एनर्जीज के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वर्क के साथ कंबाइंड है। और ऐसा भी तो हो सकता है आपने एक बॉल को फेंका, वर्क डन किया, वो बॉल ने दूसरी बॉल को टक्कर मार दी, एक बॉल उधर जा रही है टक्कर के बाद, एक उधर जा रही है टक्कर के बाद, तो आप कैसे बताओगे कि दो बॉल्स आ रही हैं टक्कर होने के बाद वो कितने एंगल पर सेपरेट होंगी। भाई ये भी तो पॉइंट है, आप फिजिक्स में बता सकते हो दो बॉल्स अगर इस लाइन में आ रही हैं तो कहाँ जाएंगी, अगर ऐसे आ रही हैं तो कहाँ टक्कर होकर जाएगी। तो चैप्टर का नाम है कोलिजन्स, तो आपको सिखाया जाएगा कोलिजन का कॉन्सेप्ट, जिसमें कितने एंगल पर बॉल आ रही है, कितने एंगल पर दूसरी बॉल आ रही है, टक्कर के बाद वो कितने कितने एंगल पर जाएंगी, कोलिजन्स, राइट। अब मान लो आपको कोलिजन भी आ गई, अब कॉन्सेप्ट आएगा रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन आपको कि सर्कुलर मोशन किया तो था, अभी सर्कुलर भी तो गोल गोल घूमना, रोटेशन भी गोल गोल घूमना। सर्कुलर मोशन में हम बॉडीज को बहुत छोटा लेते हैं, छोटा एम मास, पॉइंट मास, उसको घुमाते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर कार घूम रही है तो कार का टायर घूम रहा है, कार का टायर को छोटा छोटा आइटम थोड़ी ना है। फैन घूम रहा है कोई छोटी आइटम थोड़ी ना, मास काफी मास है। प्लैनेट घूम रहा है सन के आसपास, कहाँ है छोटा मास, बहुत बड़ा मास है। तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, रोटेशनल एंड ग्रेविटेशन। तो रोटेशन एंड ग्रेविटेशन आपस में लिंक्ड है। तो हम किसे स्टडी करेंगे रोटेशन सीखने के बाद, प्लैनेट्स को। अर्थ का क्या बिहेवियर है, अर्थ गोल नहीं घूमती सन के आसपास, मुझे नहीं पता आपको 9-10 में सिखाया नहीं सिखाया, क्या गोल घूमती है, नहीं। सातवीं क्लास में बच्चा होता है उसको सिखाया अर्थ गोल घूमती है सन के आसपास, गोल गोल घूमती है, गोल नहीं घूमती अर्थ, इलिप्स में घूमती है। इलिप्स समझते हो, ये होता है इलिप्स और सन यहां पर है। कोई भी प्लैनेट सेंटर में होता ही नहीं है रोटेशन के, प्लैनेट तो बहुत साइड पे होता है, जो सन है सॉरी वो साइड पे होता है, और प्लैनेट ऐसे घूम रहा होता है इस तरीके से, गोल नहीं घूमता। सारे प्लैनेट इलिप्स में घूमते हैं, आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम नेट पे देखा होगा, उसमें सर्कल नहीं बनता, उसमें देखा होगा इलिप्स बनते हैं, राइट, प्योर सर्कल नहीं है। तो ऐसा क्यों, कोई प्रूफ है क्या इसका, हाँ प्रूफ है, क्या लोगों ने जाके देखा, नहीं लोगों ने आज तक नहीं गए, लोग कैसे देखेंगे जर्नी क्या है। तो कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे ये प्रूव किया जा सकता है कि अर्थ या प्लैनेट्स गोल नहीं है, इलिप्स में घूम रहे हैं, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और आपके सिलेबस में भी है, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये गोल नहीं घूमती, तो ग्रेविटेशन। अब आप ये देखेंगे कि यहां तक जब सिलेबस चलेगा ना, तो आप ये देखेंगे कि हमने जो बॉडीज ली, कार ली, प्लैनेट लिया, सॉलिड बॉडीज ली, हमने पानी नहीं लिया, तो अगला फेज ऑफ फिजिक्स स्टार्ट होगा, चैप्टर नहीं पूरा फेज ही चेंज हो जाएगा, पुरानी फिजिक्स गई, अब नया फेज स्टार्ट होगा लिक्विड्स के ऊपर। लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर हमने फोर्सेस स्टडी कर ली, लिक्विड के अंदर लिक्विड क्या फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे, आप पानी में तैरने जाते हो, पानी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, अप थ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी आपने सुना होगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना होगा, या फिर एक पाइप में पानी जा रहा है वो कितनी स्पीड से जाएगा और कितनी स्पीड से पाइप से बाहर निकलेगा, और अगर वो बाहर निकल गया और मेरे मुंह पे गिरा तो मेरे पे कितनी फोर्स लगेगी उसकी, ये सारा काम फ्लूइड चैप्टर सिखाएगा आपको। तो एक महीना लगेगा इसको फ्लूइड्स में सीखने में, इतना बड़ा है। मान लो आ गया आपको फ्लूइड्स, अब उसके बाद हीट के ऊपर काम चलेगा, एक फेज, सेकेंड फेज और स्टार्ट, वो फ्लूइड डायनेमिक्स है जिसको स्टडी करवाया जाता है। एक और आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आएगा थर्मोडायनेमिक, वो हीट के साथ रिलेशन रखेगा, और आखिरी आपका यूनिट है वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक कैसे आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सन से लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये वेव्स कैसे काम करती हैं और इसका मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपको वेव चैप्टर सिखाएगा। तो मैंने आपको बातों बातों में अभी तक क्या बताया, आपका प्लस वन का सिलेबस। तो आइडिया समझ में आया कि कैसे फिजिक्स चलेगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम फिजिक्स का पी भी नहीं बोल सकते या स्टार्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी गेम तो मोशन ने स्टार्ट करनी है, और मोशन को किसने स्टार्ट करना है,
कैलकुलस ने। तो जब तक आपको मैथ्स का ये टॉपिक कैलकुलस नहीं आएगा ना, आपकी फिजिक्स की गाड़ी आगे चल नहीं सकती। तो अब आपको ये समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंस है कैलकुलस की। ओके, तो यानी कि आप अगर ये कहें चलो छोड़ो यार कैलकुलस मैथ्स है, हमने अगर ना फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, आप अपना सिर्फ टाइम खराब करेंगे। अगर आपको ये कैलकुलस ना आया, आप फिजिक्स बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना। हो सकता है इक्का दुक्का तिक्का चैप्टर आपको समझ में आ भी जाए जिसमें कैलकुलस यूज नहीं होता, पर आप फंस ही जाएंगे और फंसे ही रहेंगे जब तक आपको कैलकुलस नहीं आएगा। इसीलिए आज का पहला टॉपिक, आज का पहला लेक्चर मैं किससे स्टार्ट करूंगा, बाय टॉपिक कैलकुलस। ठीक है यहां तक? तो चलें एक बार वापस पीछे। तो सिलेबस मैंने बता दिया, ओके, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो सपोज आपके पास प्रॉब्लम वही है जो मैं हमेशा बोल ही रहा था कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, एंड लेट अस सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक बॉडी है और ये यहाँ से यहाँ आ गई, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना, 10 मीटर, कितनी देर में, 10 सेकेंड में। कहानी तो यहीं से स्टार्ट की थी ना, यहीं से शुरू करते हैं। 10 मीटर इन 10 सेकेंड, तो मैंने कहा था कि स्पीड कितनी है, तो आपने बोला 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने कहा था कि और इंटरवल के अंदर जाओगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये कौन सी स्पीड है आपकी, एवरेज स्पीड है, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये तो ना एक देसी तरीका है, 10 मीटर 10 सेकेंड, ऐसे तो ना फिजिक्स चलती है ना। फिजिक्स को इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे नहीं करते 10 मीटर 10 सेकेंड, ना ना ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, सपोज ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, देखो थोड़ा फॉर्मल, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो गाड़ी किस पे चल रही है, एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, और सपोज ये आपका क्या है, कोई वाई एक्सिस है, क्लियर है? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, लिख देता हूं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, क्लियर है यहां तक? फिजिक्स में हम ऐसे काम नहीं करते 10 मीटर हो गया ना, हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। आपको 10th क्लास में सिखाया होगा वो ग्राफ पेपर पे, ये कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई प्लॉट करो, करते नहीं थे ग्राफ पेपर के ऊपर, करते थे ना? यस बोल सकते हो, ओके कर सकते थे। तो आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हो, x1 y1 x2 y2। तो अगर मुझे यहां पे अगर ये बॉडी पड़ी है और मुझे इसका कोई कोऑर्डिनेट बताना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसका x कोऑर्डिनेट बताओगे और साथ में इसका y कोऑर्डिनेट बताओगे, यही करोगे? तो मान लो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 मीटर और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0, क्योंकि ये बॉडी किस पे पड़ी हुई है, ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, तो यहां पर x इज इक्वल टू 2। ये तरीका है फिजिक्स का किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने का। तो पोजीशन को कैसे बताया जाता है, कोऑर्डिनेट से। तो क्या कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट पे बॉडी थी इनिशियली, आपके हाथ में घड़ी थी, स्टॉप वॉच थी, आपको कहा गया ये बॉडी यहां से चल पड़ी, जैसे ये चली आपने स्टॉप वॉच को क्या कर लिया, ऑन कर लिया, स्टॉप वॉच ऑन कर लिया। स्टॉप वॉच में शुरू में टाइम क्या होता है, 0, लिख लें, तो यहां पर टाइम क्या था इसका, 0, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1, क्लियर है? थोड़ी देर बॉडी चलती रही और बॉडी यहां पर आ गई, बॉडी यहां पर आ गई, तो यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, मान लो 10 मीटर, नया कोऑर्डिनेट आ गया, मान लो 10 मीटर। स्टॉप वॉच में टाइम सपोज कितना था, 8 सेकेंड, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 माइनस 2 कितना, 8, नो डाउट 8, राइट? क्लियर है डिस्प्लेसमेंट क्या है, 8। कितना समय लिया इस बॉडी ने यहां से यहां आने में, टाइम टेकन कितना, 8 सेकेंड, समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ओके ठीक है। अब इसमें मैं इसमें ऐसे नहीं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप बोलोगे 8 ना, मैं बोलूंगा यहां पर ये बताओ व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आपको कि ये क्या चक्कर है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 8, ऐसा क्यों बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि
हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं वो यहां पर क्या है, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। देखो मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कहां से किया भाई, अपने ऑफिस से किया, अपने घर से किया, या फिर किसी मान लो सेक्टर 17 से किया, कहां से किया 10 मीटर, कोई पॉइंट तो फिक्स करोगे। तो फिजिक्स का पहला पॉइंट पता है क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होते हैं, कहां से को क्या बोलते हैं, हमने क्या मार्क किया, रेफरेंस पॉइंट। कोई डाउट इसमें, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, रेफरेंस पॉइंट। तो हम सारे डिस्टेंस कहां से लेंगे, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन से। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस ठीक। तो अब मैंने ये पूछा, व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यार आप सोच रहे हो डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में फर्क कहां है, मैं समझ में नहीं आ रहा। फर्क है, आपकी बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, सदा तो नहीं यहां से पड़ी हुई, क्या पता वो पीछे से ओरिजिन से उठ के यहां आई हो, क्योंकि वो ओरिजिन से तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया ही हुआ है उसने। तो इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 2, ओरिजिन से नई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से 2 मीटर, ओरिजिन से 10 मीटर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट को जब माइनस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। 10 मीटर में से 2 मीटर क्या कितना आया, 8 मीटर। कोई डाउट इसमें? हाँ, आप कहोगे यार डिस्प्लेसमेंट भी तो वही थी, आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी हैव टू बी टेक्निकल। थोड़ा सा उस माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा जो बुक्स और एक फॉर्मल तरीका है काम करने का। तो फॉर्मल तरीका क्या है, फॉर्मल तरीका है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये नहीं है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट होता और यहीं से गाड़ी चलती, ओरिजिन भी यहीं पर होता, हाँ फिर बोल सकता था कि डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। पर क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेज कहां से लेने हैं, फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये 2 मीटर है, ओरिजिन से ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस हुआ तो क्या हुआ, 8 मीटर। कोई डाउट? तो यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर। ओके, यहां पर अगर मैं लिखूं व्हाट इज चेंज इन टाइम, अब चेंज इन टाइम क्यों, क्योंकि आप कितना समय में ये जर्नी कवर की वो कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या करेंगे, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, 8 में से 0 गया तो 8 सेकेंड। क्या स्टेप क्लियर है? तो इसको ऐसे लिखें, दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज t2 माइनस t1। कोई डाउट इसमें, लिख लो साथ में, फिर अभी कंटिन्यू करेंगे साथ साथ, यहां तक बना लो। ठीक, तो आपने एक चीज नोट की, थोड़ा टेक्निकली बोलना आ रहा है आपको, आप सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, कैसे एक्स मान लिखा, बात तो वही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट को बोलने और लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। तो ये क्यों सिखाया जा रहा है, आफ्टरऑल किताब भी तो पढ़ोगे, बुक के अंदर वो ये ऐसी चीजें थोड़ा करता है, 8 मिनट डिस्प्लेसमेंट है और ये 2, ऐसा नहीं करेगा। बुक्स में कोऑर्डिनेट्स देगा वो आपको, डायग्राम बना के देगा, तो आपको समझ में आएगा ओके ये डायग्राम में इसका ये मतलब है। और वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कुछ इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, मैंने चेंज वर्ड क्यों यूज किया, इसका आंसर अभी मैं दूंगा आपको। और तो यहाँ तक क्लियर है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को लिखा x2 माइनस x1 और चेंज इन टाइम पीरियड टाइम को लिखा मैंने t2 माइनस t1। ठीक,
ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम तो वही है, व्हाट इज स्पीड। आज के लेक्चर में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ पता नहीं क्या करा के भिजवाऊंगा, आज सर ने ये कराया है, वो कराया, वो कुछ भी नहीं, आप कहोगे सर ने क्या कराया, बस स्पीड को बताया स्पीड है क्या चीज। और इसको सीखने में आप मानोगे आपको 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे पूरा ये समझने में कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको कि फिर 9th 10th क्या करके आए, एवरेज एवरेज ज्यादातर एवरेज, तो एक्चुअल में गाड़ियां कैसे चलती हैं ये आपको आज समझ में आएगा। तो यहां तक क्लियर है, ओके। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बताना है वो क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिख देता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा, X2 माइनस X1, जो कि क्या आया था, 8 माइ 10, कितना था, 10, हाँ 10 मीटर माइनस 2 मीटर, और टाइम क्या था, 8 माइनस 0, ऐसी था ना, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज चेंज इन टाइम, राइट, एग्री कर रहे हो। तो जब ये डिवाइड करते हैं ना इसे 8 मीटर बाय 8 सेकेंड, तो मैंने क्या बताया स्पीड क्या आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड मानते हो, तो इस केस में ये कौन सी स्पीड आई, एवरेज आई, एग्री कर रहे हो, एवरेज आई। तो यहां पे लिख दूं दिस स्पीड इज एवरेज स्पीड, कोई डाउट इसमें, ये कौन सी स्पीड आई, एवरेज स्पीड लिखो। तो एवरेज स्पीड क्या आई, X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आज की बात कोई ये थोड़ी ना कहेगा सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ना, क्या बोलेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। पॉइंट समझ में आया, तो आपको एवरेज स्पीड में चेंज वर्ड जरूर बोलना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ ठीक भी आ सकता है पर गड़बड़ भी हो सकती है, क्लियर है। तो चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। दिखाऊंगा अभी, रुको, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार आंसर तो वैसे भी बड़ा सिंपल था कि सीधा पता ही था यार, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों घुमा रहे हैं फिजिक्स को, 8 बाय 8 आंसर 1, मतलब ये तो वो बात हो गई, प्लस वन में क्या हो गए, चीजों को आसान की जगह मुश्किल करके दिखा रहे हैं, ये तुम कर ही सकते थे, मुश्किल करके नहीं दिखा रहे और आसान करने जा रहे हैं, देखो कैसे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, देखो ये बहुत लंबा है बोलना है मेरे लिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना लंबा, हर बार पूरा साल बोलना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज 3 अक्षर बोलने पड़ते हैं मेरे को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रहता 6 बोलने पड़ते हैं, चेंज इन टाइम इतना लंबा नहीं बोलना। चेंज को फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, बढ़िया हो गया ना, चेंज लिखना और बोलने की जगह फिजिक्स वाले क्या यूज करेंगे, डेल्टा। अब मन में समझ लेना सर ने क्या लिखा, चेंज, कोई डाउट इसमें, किस में चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, एक्स, अब एक्स कैन बी X2, एक्स कैन बी X1, तो इन जनरल वेरिएबल को क्या लिखेंगे, एक्स, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स कौन, डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम को क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा टी लिखो। तो एवरेज वेलोसिटी आज के बाद जो फिजिक्स वाले लिखेंगे, ये कहानी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो आप एक मिनट में समझ जाएंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज कि भाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम है, इसका मतलब एवरेज स्पीड, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज का फिजिक्स वालों ने क्या किया, छोटे छोटे सिंबल यूज किए, बड़ी बात को एक लाइन में एक स्टेप में समझा देंगे वो, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आता है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है, ओके, यहां तक तो होगी कहानी खत्म, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम फिर वही है, क्योंकि अभी तक तो मैं उस पॉइंट पे गया ही नहीं ना, इंटरवल आ पॉइंट, इंटरवल भी लेना है छोटे छोटे छोटे, अभी तो बस मैं लिखना सिखाया कि फिजिक्स में एवरेज स्पीड को लिखा जाता है डेल्टा एक्स बाय
डेल्टा टी, बस इतना ही बताया मैंने। प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई। ये प्रॉब्लम पता है किसकी थी? ये पहली प्रॉब्लम किसने फेस की है? कौन? न्यूटन। और कौन हो सकता है फिजिक्स का गुरु? न्यूटन। तो न्यूटन की प्रॉब्लम थी कि न्यूटन फंस गया था, न्यूटन फंस गया और ये मोशन को वो एवरेज में काम नहीं करना चाहता। उसको पता था गाड़ियां ऐसे चलती नहीं है, गाड़ियां तो वेरिएबल स्पीड में चलती हैं, कभी स्पीड ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, एवरेज पे तो कुछ भी चल नहीं सकता। तो उसकी भी फिजिक्स वहां पर अटक गई थी। पर क्योंकि वो न्यूटन था, उसको कोई मैथ्स का टीचर ना सिखाने जाएगा प्लस टू में कि तू पहले कैलकुलस सीख ले, तो उसने कैलकुलस बनाया। देखो लोग सीखते हैं और कुछ लोग बनाते हैं, तो उसने पहले कैलकुलस बनाया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर फिजिक्स में उसने उसे लगा के दिखाया, जो मैं आपको आज करके दिखाने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये उसकी प्रॉब्लम है और वो अटक चुका है क्योंकि वह एवरेज से ज़्यादा और डिटेल में नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम वही है कि मेरा जो इंटरवल है वो इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। और मैंने क्योंकि बताया आपको कि जितना छोटा इंटरवल होगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपने देखा कि 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, जितना मर्जी इंटरवल छोटा करते जाओ एक्यूरेसी बढ़िया आएगी उस केस में। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या? इंटरवल छोटा लेना, ओके 10 मीटर टोटल बड़ा इंटरवल है तो ओके तोड़ो, दो 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 मीटर तोड़ दिया, बात नहीं बनी। और टूट सकता है 1 1 1 मीटर और तोड़ दो, ओके और टूट सकता है कितना? 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.01, मैंने बताया आपको इनफाइनाइट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कहीं तो कुछ रोकना पड़ेगा। अगर हम रोकेंगे ही नहीं किसी भी चीज को तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे हमारे? इसका मतलब छोटा इंटरवल चाहिए, और छोटा चाहिए, और छोटा चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, इतना इंटरवल छोटा चाहिए कि उससे छोटा इंटरवल एग्जिस्ट करता ना हो, तभी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर उससे भी छोटा हो गया फिर तो यार सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इंटरवल नहीं मिलेगा हमें, मानते हो इसे? तो न्यूटन ने कहा कि जब आप ये डिस्प्लेसमेंट लेते हो और ये मेरा ओरिजिन है तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, आप इसे क्या बोलते हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब पर मेरे को ये डेल्टा एक्स और छोटा करने का है, छोटा करना है और छोटा करना है और छोटा करना है। तो ऐसा ऐसा करना है कि ये इंटरवल बहुत 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 ही छोटा हो जाए, पर उससे छोटा ना हो। तो एक नई टर्म निकाली गई और वो नई टर्म क्या थी? तो उसने क्या किया, उसने कहा कि देखो ये आपकी कोई भी जर्नी है और आपकी गाड़ी मान लो यहां से यहां आई और ये मान लो वो छोटा सा इंटरवल है, मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए आपको क्योंकि इंटरवल तो बहुत 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 छोटा होगा, ये तो दिख भी नहीं सकता क्योंकि इतना छोटा इंटरवल, अगर 0.00000 में जाऊंगा तो दिखेगा थोड़ी ना। पर आप क्लास में यार दूर तक लोग बैठे हैं तो कुछ तो पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, भाई इससे छोटा नहीं है। तो ये छोटे इंटरवल को या छोटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, दिस इज स्मॉल स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? ये एक बड़ा चेंज था डिस्प्लेसमेंट का। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि डेल्टा एक्स से छोटा कोई इंटरवल नहीं है, डेल्टा एक्स से छोटा इंटरवल एग्जिस्ट करता है, मानते हो ये चीज? इससे और छोटा कर सकते थे, पर मेरे को एक ऐसी नई टर्म बतानी है कि इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वो सबसे छोटा जो चेंज है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? बाय डीएक्स। डीएक्स का मतलब है अ वेरी स्मॉल चेंज। तो डीएक्स का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। कितना छोटा चेंज? कितना छोटा चेंज कि इससे छोटा एग्जिस्ट होगा नहीं। अगर इसको भी तोड़ दो मैं कहूंगा भाई इससे इससे नीचे नहीं टूटता, बस टूटना था टूट गया। जो इंटरवल सबसे छोटा है वो डीएक्स है, इससे छोटा और टूट सकता ही नहीं है। तो यानी कि अगर एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो बड़े चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एक्स। और सबसे छोटा इंटरवल क्या होगा? डीएक्स। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, लिख लो।
डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, क्लियर है यहां तक? तो डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब पता है क्या मैथ्स में? स्मॉल चेंज। तो डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या लेना? छोटा चेंज लेना। कितना छोटा? कि उससे छोटा एग्जिस्ट कर नहीं सकता, इतना छोटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डेरिवेटिव का मतलब बस डीएक्स के आगे मत पूछना। आपको सर इससे छोटा, मैं कहूंगा बस हो गया, इससे छोटा नहीं होगा, डीएक्स डन। क्लियर है यहां तक? अब अगर आपकी गाड़ी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जो कि बहुत छोटी है, स्मॉल चेंज है, तो समय भी तो कम ही लेती होगी, बड़े चेंज के लिए ज्यादा टाइम लेती होगी। बड़े चेंज के लिए उसने मान लो कितना टाइम लिया था? डेल्टा टी। छोटे चेंज के लिए उसने कितना टाइम लिया? डी टी, क्योंकि डीएक्स से छोटा इंटरवल तो है नहीं, और इसको कवर करने के लिए समय भी वो बहुत कम लेगी, उससे छोटा टाइम तो वो लेगी नहीं। तो टाइम को क्या रिप्रेजेंट किया? डी टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो छोटे इंटरवल को, सबसे छोटे इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट किया? डीएक्स। तो इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? हमने क्या लिया? एक्स का डेरिवेटिव। टी का क्या लिया? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब उसका क्या लिया? स्मॉल चेंज। तो एक्स का स्मॉल चेंज डीएक्स, टी का स्मॉल चेंज डी टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बड़े चेंज को छोड़ रहे हैं, नाइन टेंथ में क्या लिया था? बड़ा चेंज, ऐसे लिया बड़ा चेंज, अब क्या लेंगे? छोटा चेंज। तो सारी गेम किस में चलेगी? डेरिवेटिव में। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? हाउ टू कैलकुलेट डेरिवेटिव, जो सिखाऊंगा अभी, अभी सिर्फ सिंबल बता रहा हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डीएक्स का मतलब स्मॉल चेंज, डीटी का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब आगे ऑनलाइन वालों क्लियर है? Yes. ठीक, तो अब इस केस में अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे सिखाना पड़ेगा व्हाट इज स्मॉल चेंज। अब जैसे सपोज करो, मैं थोड़ा एग्जांपल भी चेंज करना चाहता हूं, मोशन को छोड़ो यार, बोर हो जाएंगे मोशन से, एक नया एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक बकेट है, बाल्टी है, ऊपर टैप लगा हुआ है, पानी भरना है। तो मैंने पूछा कि पानी कितना इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है? तो आपने बोला कि वॉल्यूम V1 अभी 2 लीटर है इसमें। मैंने कहा ओके डन, सही है। टैप चला दिया, टैप चला दिया, पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरता 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 यहां पर कितना हो गया? 10 लीटर हो गया। तो जब पानी 2 लीटर था, टैप नहीं चला था, मेरे स्टॉप वॉच में टाइम क्या था? जीरो, जीरो। क्लियर है? और थोड़ी देर में पानी जो है वो चल पड़ा, और जब पानी चला और थोड़ी देर में जो टाइम है वो कितने है? 8 सेकेंड था। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई पानी कितना भर गया? क्या बोलोगे आंसर? कितने लीटर पानी भरा? और 8 भरा। तो फाइनल 10 लीटर में से 2 लीटर को माइनस किया, तो फिर से आपने क्या निकाला? आपने निकाला चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम वी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम होता है। तो आप क्या निकाल रहे हैं? आपने निकाला टोटल चेंज इन व्हाट? वॉल्यूम। कैसे लिखेंगे? V2 माइनस V1, क्या वैल्यू? 10 लीटर में से 2 लीटर कितना? 8 लीटर। और कितनी देर में? टोटल चेंज इन टाइम, टाइम में क्या? T2 माइनस T1 कितना? 8 माइनस 0 कितने सेकेंड? 8 सेकेंड। तो अगर मैं ये कहूं दोनों को डिवाइड कर दो, या ऐसा लिखें, इसे डिवाइड करने से पहले टोटल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? डेल्टा वी। टोटल चेंज इन टाइम का मतलब डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब टोटल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा टी का मतलब टोटल चेंज इन टाइम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 8 लीटर बाय 8 सेकेंड, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 लीटर पर सेकेंड। आपने मैथ्स में जरूर सुना होगा, इसको पता है क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। पढ़ते हैं ऐसे, या ऐसा करते हैं, वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम को टाइम से क्या किया? डिवाइड। दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम एंटरिंग अ बकेट पर सेकेंड। क्लियर है? तो इन शॉर्ट, ये आपने पता है क्या निकाला? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे ही है। तो क्या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को क्या लिखें? दिस इज बेसिकली व्हाट? एवरेज, एवरेज वॉल्यूम कमिंग इनटू दिस बकेट पर सेकेंड। एवरेज वर्ड कहां यूज करना है समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने टोटल चेंज, टोटल वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दिया? टोटल टाइम से। जब टोटल बाय टोटल आ गया ना, तो वर्ड सामने क्या आएगा? एवरेज आएगा ही आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर ये भी तो हो सकता है, नलके में से पानी कभी तेज कभी स्लो रहा हो,
आपने तो टोटल पानी बता दिया, आपने टोटल समय बता दिया, पर एक्चुअल में कभी पानी तेज आ रहा है कभी स्लो आ रहा है। अब तो आपको क्या पता कितना पानी आ रहा है एक सेकेंड के अंदर, हो गई ना गड़बड़, यानी कि बाल्टी का पानी भी ठीक तरह मेजर नहीं किया हमने अभी तक, तो पहले अब उसको भी सीखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या दे रहा है एवरेज, कितना वॉल्यूम एंटरिंग कर रहा है पर सेकेंड, पर हमने प्लस वन में एवरेज में काम करना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या कंसिडर करूंगा, स्मॉल चेंज डीवी। डीवी का मतलब क्या होगा, डीवी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम का मतलब दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। पढ़ना आ रहा है क्वेश्चन, फिजिक्स का लेना देना नहीं है इससे भी, हमने कुछ नहीं करना है इसमें, बाल्टी नहीं भरनी पानी की। सिंबल कैसे यूज कर रहा हूं, टर्म्स कैसे बोलना सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज वॉल्यूम पर सेकेंड, पर जब मैं डीवी में आ जाता हूं डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम यानी कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जब मैं डीटी में आ जाता हूं स्मॉल चेंज इन टाइम। इसका मतलब आपको इस पूरे लेक्चर से ये तो समझ में आ गया कि जिसके आगे डेरिवेटिव लग गया समझो वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो आज के बाद अगर मैं लिखता हूं डीवी डी ऑफ वॉल्यूम डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डी टी का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, डी क्यू का मतलब क्यू स्टैंड फॉर चार्ज होता है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल चेंज इन चार्ज। तो किसी भी चीज को जब स्मॉल चेंज से रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या लेना है उसका डेरिवेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है, लिखना चाहते हो लिख लो एक एग्जाम्पल। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि डेरिवेटिव क्या स्टैंड कर रहा है यहां पे, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। और हां मैं ये जो आपको करवा रहा हूं ना ये सारा डेरिवेटिव ये मोशन के एग्जांपल्स, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर हमने पढ़ना है मोशन, मैंने एग्जांपल किसका लिया मोशन का। तो मोशन की प्रॉब्लम में फंस गए तो क्या सीखेंगे, कैलकुलस। दो पिक्चर शुरू कर रहा हूं मैं, पहली पिक्चर किसकी, मोशन की, साथ में मोशन स्टार्ट हो चुका है आपका चैप्टर। और अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, कैलकुलस। ये क्या है, ये कैलकुलस का ही पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अब मैं दोनों को क्या करूंगा ज्वाइन, तब जाके मेरी फिजिक्स स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है कि कैसे स्टार्टिंग होगी, दो चीजों को मिक्स मिलाने के बाद ही गाड़ी आगे चलेगी, ठीक। और मजे की बात, अगर मैं पिक्चर वन दिखाता हूं, चलो मोशन करते हैं, मोशन का एक न्यूमेरिकल के बाद रोक दूंगा, भाई मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि मोशन कहां से होगा, कैलकुलस नहीं आता। और अगर मैं सिर्फ कैलकुलस स्टार्ट कर दूं, आप सोची जाओगे यार क्या डी बाई डी एक्स करे जा रहा है, कर क्यों रहा है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डी बाई डी एक्स है क्या चीज। तो अब आपको दोनों चीजें पैरेलल समझ में आएंगी और देखते ही देखते कैलकुलस एंड मोशन दोनों चैप्टर इकट्ठे चल पड़ेंगे और आप एकदम आपको व्यू एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके। अब जो मेरी प्रॉब्लम है या न्यूटन की प्रॉब्लम है वो तो सेम है, अभी भी वहीं फंसे पड़े हैं हम, कहां पे कि गाड़ी चल कैसे रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करके चल रही है। उस प्रॉब्लम को एक बार फिर से कंसिडर कर लेते हैं, कैसे लिख लो, ठीक। देखो कैसे प्रॉब्लम फिर वहीं आ गई कि ये मेरी पूरी जर्नी है, सपोज करो ये बॉडी यहां से यहां चली, ओके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, टोटल डी डेल्टा एक्स लेंगे और टोटल डेल्टा टी लेंगे तो भी प्रॉब्लम है राइट, ठीक है। तो डेल्टा एक्स लेंगे तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी लेंगे टोटल एवरेज में काम ही नहीं करना। अब हमें पता लग गया, अब हम डेल्टा में काम नहीं करेंगे, अब हम किस में काम करेंगे, डी एक्स में काम करेंगे, और ये क्या चीज है डी टी, तो हम डी एक्स में काम करेंगे और साथ में डी टी में काम करेंगे, कोई डाउट इसमें, ओके। अब मैंने पूछा, चलो अब आपकी नॉलेज बढ़ गई, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो एवरेज हमें पता है, नहीं काम करना उसमें, चलो अब बताओ कि इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या होगी, आप लिखेंगे वी इज इक्वल टू, बोलो क्या, डी एक्स को किससे डिवाइड करेंगे, डी टी से। आप क्या करेंगे, dx को किससे डिवाइड करेंगे, dt से। तो आप क्या निकाल पाएंगे, इस इंटरवल की वेलोसिटी, हाँ चाहे छोटे इंटरवल की है वेलोसिटी तब भी आएगी, कि छोटे डिस्प्ले टोटल छोटा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को छोटे टाइम से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, कोई डाउट इसमें,
क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर न्यूटन क्या, मैं क्या और आप क्या, फिर फंस गए। कैसे फंस गए? हमें ये कैलकुलेट करना नहीं आता। अब आप कहोगे सर ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है डीएक्स की? मैंने कहा डीएक्स की वैल्यू है 0.00001। आपको, अच्छा आपको वैल्यू पता है तो फिर छुपा क्यों रहे थे? डीएक्स ही बोल ही देते, इससे छोटा इंटरवल नहीं। उसकी वैल्यू डिफाइंड होती तो बता ना देता डीएक्स कितना है, वो किसी को नहीं पता। डीएक्स एक टर्म है विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, कितना एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसका कोई भी, लेकिन हाँ इससे छोटा कुछ नहीं है। तो आप ये कहोगे सर फिर वेलोसिटी, इससे अच्छा तो वही था, हम एवरेज वेलोसिटी तो कम से कम वैल्यू तो निकालते थे टोटल बाय टोटल करके, इसके अंदर तो हम वैल्यू निकाल भी नहीं पा रहे, तो हम फंस चुके हैं। क्योंकि जब तक हमें ये सॉल्व करना नहीं आएगा क्या dx को dt से डिवाइड करके क्या आता है, तब तक हम वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब गेम यहां पर रुक गई फिजिक्स की, क्योंकि जब तक मैं आपको ये कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा डीएक्स बाई डी टी, तब तक आप वेलोसिटी निकाल ही नहीं पाओगे। और जब तक आप वेलोसिटी निकाल नहीं पाओगे तब तक मोशन का चैप्टर क्या सीखोगे? मोशन नहीं आएगी तो फोर्स नहीं आएगी, फोर्स नहीं आएगी तो वर्क नहीं आएगा। सारी फिजिक्स यहां पर रुक गई। कोई डाउट इसमें? अब आपको इंपॉर्टेंस पता लगा कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? मैथ्स। ज्यादा नहीं है, दो लेक्चर का ही काम है, मैक्सिमम तीन लेक्चर का काम है। तो हम दो तीन लेक्चर में हम पहले सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस डीएक्स बाई डी टी, इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, और वो फॉर्मूला मैंने नहीं बनाए, वो फॉर्मूलाज फिजिक्स मैथ्स वालों ने बनाए। उस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को मैं लिखवाऊंगा, ये सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो आप बता पाओगे कि गाड़ी की वेलोसिटी छोटे इंटरवल में कितनी है। कोई डाउट इसमें? एक और चीज, ये इंटरवल डीएक्स लिया इन टाइम टेकन डीटी, अगला इंटरवल यहां पर आएगा डीएक्स, कहीं पर भी आएगा, यहां पर जहां भी लेना है इन टाइम डीटी, यहां पर वेलोसिटी आएगी डीएक्स बाई डीटी, अगला इंटरवल यहां आएगा डीएक्स इन टाइम डीटी। अब एक बार बताओ, छोटा इंटरवल डीएक्स बाई डीटी में वेरी बाई डीएक्स 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 डिफाइन तो कर नहीं रहा, तो ये वैल्यू में चेंज इस इंटरवल में, क्योंकि मैंने कहा था जितने छोटे इंटरवल में जाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़िया आएगी। तो मान लो इस इंटरवल में वेलोसिटी आती है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसी इंटरवल में अगले इंटरवल में वेलोसिटी आती है 1.2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है आंसर में वेरी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर इंटरवल छोटे होते गए वेलोसिटी में वेरी वेरी हो सकती है। वो देखा था ना, 10 को 2 में डिवाइड किया था, 10 को 1 में डिवाइड किया था, 1 1 मीटर में हमारे आंसर वेरी कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इस इन छोटे छोटे इंटरवल में भी हमारे आंसर वेरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये कौन सी, दिस इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिखो तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पता है क्या होती है? विच मे वेरी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, या एट किसी भी इंस्टेंट पर जो अपनी वैल्यू को चेंज करेगी। जैसे आप एक्चुअल में अपनी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है, मान लो डिजिटल लगा हुआ है, उस पर डिस्प्ले होता है ना कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 80 किलोमीटर पर आ रहा है, और आप देखते हैं हाईवे पे जाते हैं स्पीड कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है, डिजिटल मीटर चेंज करता रहता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, वो एक्चुअल में डीएक्स बाय डीटी है। तो आपको हर इंटरवल पे डीएक्स बाय डीटी चेंज होता हुआ दिखाई देगा, तो इस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? और हम फिजिक्स में किस पे काम करेंगे? एवरेज में नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे? इंस्टेंटेनियस पे करेंगे, क्योंकि हर इंस्टेंट पर कैलकुलेशन में वेरी, तो हम काम करेंगे इंस्टेंटेनियस पे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आया कि कौन सी वेलोसिटी पे काम होना है? इंस्टेंटेनियस। और इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। और अगर मैंने लिख लिया इसकी जगह डीएक्स बाई डीटी, तो कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो साइड पे लिख लो ये दोनों टर्म्स, दोनों में फर्क है। हाँ, ये हमें निकालनी आती है, ये हम कर लेंगे कैसे ऐसे करके, ये हमें निकालनी नहीं आती।
ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। तो सिंपल एक ही चीज सीखी आज के लेक्चर में, डेल्टा एक्स का मतलब टोटल चेंज, डी एक्स का मतलब स्मॉल चेंज, बस। तो स्मॉल चेंज को स्मॉल स्मॉल चेंज से कैलकुलेशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस आएगा, और टोटल से करेंगे तो एवरेज आएगा। कोई डाउट इसमें? टर्म्स रीड करनी आ रही हैं, डेल्टा एक्स, डी एक्स, देखो आपके अंदर फिजिक्स कैसे कैसे जाती जा रही है, मतलब आप देख रहे हो। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं है चलो लिखो डेफिनेशन, व्हाट इज इंस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी दैट चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंट। क्या घर जा डेफिनेशन, कुछ नहीं है डेफिनेशन, प्लस वन प्लस टू के अंदर कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे समझते हो किसी भी चीज को, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, बस उसी की गेम है, राइट? तो आपने जो समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, और मजे की बात है कोई याद करने वाला कुछ है ही नहीं, जब टेस्ट भी होगा तो याद क्या करोगे, कुछ भी नहीं। डीएक्स बाई डीटी कैलकुलेटर सिखाऊंगा, याद नहीं है, बस प्रैक्टिस है, डेली असाइनमेंट दूंगा, प्रैक्टिस है, बात खत्म। ठीक है यहां तक? ओके, ये यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए, क्या? कि सपोज मैंने आपको जैसे बताया कि आप इसमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखते हैं, और इसको क्या वेलोसिटी का नाम देते हैं, एवरेज वेलोसिटी, मैंने बोला ना एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि डेल्टा एक्स की जगह अगर आप क्या लिखते हैं, डी एक्स, और यहां आप क्या लिखते हैं, डी टी, तो कौन सी वेलोसिटी आती है, ये आपने लिख लिया, राइट? आ गया ना? एक और जरा ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी रीड करना ना चाहिए। जब हम टोटल चेंज को स्मॉल चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम एवरेज से कहां पर चले जाते हैं, इंस्टेंटेनियस, मानते हो? और टोटल चेंज तो बड़ा भी हो सकता है, डेल्टा टी बड़ा हो सकता है, स्मॉल चेंज तो बहुत बहुत छोटा। मैंने पूछा कितना छोटा, आपने, मैंने पूछा चलो एक बार बताओ डेल्टा टी छोटा हो गया, छोटे इंटरवल में काम करो, कि आपने पूछा कितना छोटा, मैंने कहा बस इतना छोटा, इतना छोटा, उससे छोटा कुछ नहीं। आपने कहा उसकी वैल्यू तो आपने बताई नहीं, डी टी क्या है, पर हाँ इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कुछ तो होता होगा, तो आपने बोलना शुरू किया कि 0.00000000, चुप ही नहीं हुए यार, जीरो जीरो लगाए जा रहे हो, वन। अब मैं कह रहा हूं कि यार डेल्टा टी इतना छोटा कि 0.00000, कितने जीरो आपको खुद नहीं पता कितने जीरो बोल रहे हैं, एंड में वन बोल दिया। अब यानी कि डेल्टा टी इज रियली वेरी 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 स्मॉल। तो फिजिक्स, तो आपने कहा सर डेल्टा टी को जीरो पुट कर दूं यार, इतना ही छोटा, इतना छोटा काम कैसे करेंगे, डेल्टा टी जीरो। अरे मैथ्स का रूल है, डिनोमिनेटर में जीरो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, मैथ सिखाते हैं आपको, लेकिन वेलोसिटी तो डिफाइन की जाती है, तो डेल्टा टी जीरो नहीं हो सकता, पर हाँ डेल्टा टी बहुत 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 छोटा। तो फिजिक्स के लोग लिखते हैं बहुत 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 छोटे को डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डैश जीरो, और यहां पे क्या लगाते हैं, लिमिट। भाई लिमिट है, लिमिट क्या है डेल्टा टी की, क्योंकि एक तो तरीका है कि मैं सीधा लिख दूं डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, देखो ये तो लिख नहीं सकता, डेल्टा टी कैन नॉट बी जीरो। हाँ ये बोलना चाहता हूं डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल, तो फिजिक्स के लोग या मैथ्स के लोग लिखते हैं कि इसकी जो लिमिट है ना डेल्टा टी की वो बहुत छोटी है, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और अगर यहां मैंने ये लिख दिया कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, या फिर मैंने ये लिख दिया डी टी वन एंड दी सेम थिंग, तो डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डी टी। और फिजिक्स के लोग कैसे बोलते हैं, डेल्टा टी की लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, हिंदी में ही बोलते हैं डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाता है, पर जीरो नहीं होता, जीरो के काफी करीब चला जाता है, बहुत ज्यादा छोटा, तो उसको क्या लिखते हैं, डी टी। तो डी टी को लिखने का क्या तरीका हुआ, या तो ऐसे लिख दो या सिंपल डी टी लिख दो, कौन सा तरीका पसंद है, पहला कि दूसरा? हाँ दूसरा, तो हम पहला यूज करेंगे ही नहीं, पर एक का था बुक अगर कोई यूज कर भी दे कम से कम ये फील तो नहीं आएगा, या मेरे को सर ने बताया नहीं कि लिमिट डेल्टा टी, ये पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी ऐसी लैंग्वेज यूज की हुई है, मुझे पता ही नहीं। अब कम से कम पता तो है
कि इसको क्या बोलते हैं, डीटी। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट बता रहा हूँ मैं नॉलेज के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम डीटी ही यूज़ करेंगे। पर इक्का दुक्का बुक ना कभी दिखा देती है ऑथर की, देखो किताब कौन लिखता है, ऑथर लिखता है, ऑथर को पसंद नहीं है, वो कहता है डीटी नहीं लिखना पसंद, अपन ऐसे लिखेंगे। अब उसने तो बेचारे लिख दिया, अब मुसीबत तो आपके उस पर खड़ी होगी ना, आपने सीखा हुआ है डीटी, और डीटी को लिखने का ये भी तरीका है। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, क्लियर है? 99% बुक्स ऐसी काम करेंगी, राइट, डीटी। अब मैंने ये बताया कि जैसे आपने लिख लिया, ये लिख लो चाहे, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब इसमें जैसे मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी, मैंने क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, राइट? और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी में लिमिट, आगे लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स पे डेल्टा लिखा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, पर साथ में लिख दिया भाई एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी इज वेरी 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 जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि इट इज वेरी 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 स्मॉल। तो इसका मतलब डेल्टा टी अपने मन में क्या बना लोगे, डी टी। आपको कि इसका भी तो लिखो डेल्टा एक्स लिमिट इक्वल अप्रोचेस टू जीरो, नहीं, मैथ्स का रूल कहता है जब आपने डिनोमिनेटर छोटा ले लिया, जब आपने टाइम ही छोटा ले लिया, तो डिस्टेंस कैसे बड़ा ले लोगे, छोटे टाइम में कितना ही बड़ा डिस्टेंस कवर करोगे, तो डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो भी स्मॉल हो गया। जब नीचे वाला टर्म छोटा हो गया तो अपने आप ही ऊपर वाला भी छोटा हो गया। तो ऐसा अगर मैं लिखूं, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे नहीं, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, एक टर्म को छोटा कर दो, डिनोमिनेटर को छोटा कर दो, डिनोमिनेटर अपना छोटा है, तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डीएक्स। भाई डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इट इज डीएक्स, ऐसे लिख लो, और डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसकी जगह डीटी लिख लो। तो बेसिकली ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, पर हां रूल ऐसा भी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो रीड करना आ रहा है, अगर मैं ये ना लिखता तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी बड़े हैं, मैंने लिख दिया कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो डेल्टा टी बहुत छोटा है को क्या लिखा जाता है, डी टी, सिंपल। और आप कहोगे डेल्टा एक्स का क्या, भाई जब यही छोटा है तो ये भी छोटा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या बन गया, डी एक्स। तो यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास फाइनली अब वो स्टेज आ गई, ये तो बोलना लिखना सीख रहे थे, मतलब अब हम पढ़ेंगे ना समझ में आएगा वो क्या लैंग्वेज है, राइट? अब हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे ना, सपोज ये गाड़ी चल रही है, देखा ये एक्स वन है, देखा ये एक्स टू है, माइनस किया है, कुछ नहीं, बट डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंट वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी, लैंग्वेज समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम वही है, हमसे पूछा जाएगा अब कैलकुलेट, बोलना लिखना कब तक सीखेंगे भैया, इसकी वैल्यू भी तो बताओ, और वैल्यू मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मैं आपको क्या नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलस। अब गाड़ी यहां पर रुक गई, बस खत्म है, इसके आगे अब फिजिक्स कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा, dx by dt एक्चुअल में निकलता कैसे है। तो फिर वापस अपनी वो न्यूटन की जो प्रॉब्लम है वापस सॉल्व करेंगे, उसे मोशन की प्रॉब्लम, तो सीखें हाउ टू कैलकुलेट dx by dt, राइट, करें स्टार्ट। तो अब हमारा जो लेक्चर स्टार्ट है, हमारा जो लेक्चर स्टार्ट है वो अब स्टार्ट है फिजिक्स का पहला लेक्चर, जिसका जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, और नाम क्या है टॉपिक का, कैलकुलस। समझ में आया ये गेम कैसे चल रही है कैलकुलस की? तो फिर लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो कैलकुलस,
कैलकुलस, कैलकुलस किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की मैथ्स की? मैथ की ब्रांच है, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और दूसरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब साथ साथ लिखना है आपने, राइट? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बीच में, तो कैलकुलस समझ में आ रहा था, डीएक्स बाई डीटी को सॉल्व करना कैलकुलस है। नहीं, कैलकुलस तो ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो ब्रांच का नाम है, अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पता नहीं क्या कुछ निकलता है, बहुत बड़ी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। तो कैलकुलस तो ब्रांच है, कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव क्या होता था? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का दूसरा नाम क्या था? डेरिवेटिव। जैसे एक्स का डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? डीएक्स। टाइम के, टी के डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? डीटी। राइट, क्लियर है? डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम ऐसा नहीं करते डीएक्स निकाल दो, नहीं, हम निकालते हैं डीएक्स बाय डीटी डिवाइड करके। अब इसको बोलना कैसे है? आप कहोगे डीएक्स बाय डीटी बोल तो दिया, उसमें क्या बोलना? नहीं, इसको भी बोलना है। इसको कैसे बोलना है? हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ओके, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलाना, इंटीग्रेट करना। हम दुनिया के लोगों को इंटीग्रेट करेंगे, मिलाएंगे, तो लिटिल मतलब तो समझ में आ ही रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब मिलाना। डिफरेंशिएशन का मतलब है टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। ये लिखो, टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालना। डिफरेंशिएशन का मतलब टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। बताता हूं ये रेट ऑफ चेंज क्या है। तो जैसे डीएक्स बाई डीटी पता है क्या है? ये रेट ऑफ चेंज मतलब कितने रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है और कितने समय में। आपने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब मैं उसमें 10th में करते होंगे कि 10 लीटर पानी निकल रहा है पर सेकेंड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है? 10 लीटर पानी है 1 सेकेंड में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ऐसी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन करना। अब और सिखाता हूं। अब तो हम क्या करेंगे, हम आज और अगली बार सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन और जगह कहाँ फंसा, तो उसने क्या निकाली? इंटीग्रेशन। तो पहले आप डिफरेंस में फंसे रहते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक, तो डिफरेंशिएशन में मैंने बताया टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। जैसे एक गाड़ी क्या चीज चेंज करती है? अपनी डिस्प्लेसमेंट। और मैंने बताया आपको डेल्टा एक्स तो लेंगे नहीं, हम तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में काम करेंगे। तो एक गाड़ी क्या चीज चेंज करती है? अपनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। कितनी देर में? स्मॉल टाइम डीटी में। तो इसको बोलना कैसे है? इसको बोलना है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले बोलना सीख लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम ध्यान से बोलना सीखेंगे, बोलना ध्यान से सीखना है। क्या कैलकुलेट हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, आप कहोगे डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ना, मैथ्स का रूल ये नहीं कहता ऊपर भी रेट ऑफ चेंज नीचे भी रेट ऑफ चेंज, नहीं, वो बोलता है हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, और नीचे वाली टर्म को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं लिखता हूं डीएक्स बाई डीटी, आप कैसे रीड करेंगे? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से देखो, अगर मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी टी,
तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मैं लिखता हूं डी वाई बाय डी एक्स तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डिफ्रेंसिएशन को बोलना कैसे होता है? अब ये रेट ऑफ चेंज क्या बताता है? अब जैसे मैंने बताया कि डी एक्स बाई डी टी क्या चीज है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आप सीखते तो व्हाट इज वेलोसिटी या व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सुना होगा आपने. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसे सीखते हैं ना. तो क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप? रेट चेंज कर रहे हो. किस रेट से? रेट समझते हो क्या हिसाब है? किस हिसाब से डिस्टेंस कवर किया जाता है? कितने समय में? तो जो हिसाब है दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है कि आप क्या कैलकुलेट करते हो कि कैसे कोई टर्म या कैसे स्मॉल चेंज निकलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कैसे वाई में स्मॉल चेंज निकलता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कैसे वाई में स्मॉल चेंज निकलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा. इसका मतलब क्या होता है अभी टाइम के साथ समझ में आएगा. बोलना आ गया. इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या ये पॉइंट क्लियर है? और इसको कभी कभी जो ये जो टर्म है, मैं इसको ये बार बार रेट ऑफ चेंज बोलूंगा नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में फिजिक्स बोलती है कि वी आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज. मैं यही बोलूंगा डी वाई डी एक्स बाई डी टी. ये शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, डी एक्स बाई डी टी. तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डी एक्स बाई डी टी. लेकिन आपसे कोई पूछेगा घर जाके क्या सीखा भाई, आप कहोगे घर जाके मेरे को सर ने सिखाया डी एक्स बाई डी टी. ओके, ये क्या होता है डी एक्स बाई डी टी? आप बोलना फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो पूछेगा ये क्या होता है? आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. पूछेगा फिर उससे क्या होगा? उससे भाई फिजिक्स स्टार्ट होगी जो दो लेक्चर के बाद स्टार्ट होगी. समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं. मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मोशन में लगा के दिखाऊंगा, फिर आपको पिक्चर दूसरे लेक्चर में अगली बार तक बिल्कुल क्लियर होगी. तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक. ऐसा भी बोला जाता है हम इसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स का. वी आर कैलकुलेटिंग, दिस इज टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपको कहे ये बड़ी अजीब सी बात है यार, ऊपर वाले को तो ठीक नाम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, नीचे वाले को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू. है ना, अजीब सी बात है ना. ऐसा बोलना चाहिए ना, वी आर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम. ना, ये नहीं बोलते. ये बोलते हैं न्यूमिनेटर को ज्यादा इज्जत दी जा रही है. ऐसा ही लग रहा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकल रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं बोलता हूं ये क्या कैलकुलेट किया, या तो आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोलेंगे वी आर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बोलना आ गया, बात एक ही है. और हम तो सीधा ही बस फटाफट डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे. पर आपको समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूं इसको बोलते क्या है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब ये चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, इसके लिए आपको कुछ क्या लिखने पड़ेंगे? फॉर्मूलाज. तो करें स्टार्ट. तो डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला डी एक्स बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सिंपली डी एक्स बाई डी एक्स, एक ही बात है. इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? वन. वो तो वैसे भी पता है, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ही सेम हो जाए आंसर वैसे भी क्या आएगा? वन. तो अगर आपकी कैलकुलेशन में डी एक्स बाई डी एक्स वन, अगर आपको क्या लिखा जाए डी वाई बाय डी वाई, तो आंसर क्या लिखेंगे? वन. अगर आ जाए डी जेड बाई डी जेड, बोलो आंसर क्या होगा? वन. फॉर्मूला याद हो गया सबको? क्लियर है? तो आपकी कैलकुलेशन में मुझे पता नहीं ना मोशन में क्या वेरिएबल लेगा. अगर कोई गाड़ी वाई एक्सिस में चल रही है लिख लेगा डी वाई, अगर एक्स में चल रही है तो लिखेगा डी एक्स. तो जो भी आएगा अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली क्या करेंगे? डी एक्स बाई डी एक्स. क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ, आपको अगर सर तो टाइम होता था, वो क्या होता है आप फिजिक्स को छोड़ दो, फिजिक्स खत्म होगी. अब हम मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज करेंगे, यूज फिजिक्स में करेंगे. कौन सा कब फॉर्मूला यूज करेंगे वो तब की तब देखेंगे. पर अगर आपकी कैलकुलेशन में डी एक्स बाई डी एक्स आ जाए, आप आंसर क्या लिखेंगे? वन. याद हो गया पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला नंबर टू, डेरिवेटिव ऑफ
a constant with respect to x is always equal to zero. For example, अगर आ जाए derivative of 5, 5 is a constant, 5 एक number है ना, number is a constant, with respect to x, तो answer क्या आएगा? Zero. अगर आ जाए derivative of 7 with respect to y, नीचे कुछ भी हो, अगर ऊपर constant आ गया तो answer क्या लिखेंगे? Zero. आपको कहे ये क्यों? वो इसलिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज. आप एक बात बताओ, आप डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हो? कांस्टेंट का. कांस्टेंट का भी चेंज होता है? नहीं होता. तो फिर चेंज क्या आएगा उसमें? जीरो. अगर मान लो इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, इस कांस्टेंट की वैल्यू चलो 5 है, पहले भी कितनी है? 5 है, थोड़ी देर बाद कितनी है? 5 है. तो चेंज क्या हुआ? जीरो. क्योंकि जिसके आगे डेरिवेटिव लग जाता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यानी कि एक्स चेंज हो रहा है. पर अगर डेरिवेटिव ऑफ सीधा क्या लिख दिया मैंने? कांस्टेंट. भाई ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो आंसर सीधा क्या आएगा? जीरो ही आएगा. पॉइंट समझ में आया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स में अगर एक्स कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा? जीरो. वैसे फॉर्मूला भी याद कर सकते हो. तो आज के बाद अगर कोई ऐसा डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव का मतलब ये रेट ऑफ चेंज का मतलब, जैसे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी है, तो आंसर सीधा क्या आएगा? जीरो. बड़ा आसान फॉर्मूला है. तो पहला फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, दूसरा भी बड़ा आसान है. कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? राइट. कहीं डाउट है तो पूछना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना ऐसे कि पूछें कैसे. और ऑनलाइन वाले भी माइक ऑन करके सीधा पूछें, ठीक? घर नहीं लेके जाना कोई डाउट, ठीक है? यहां तक ये वाला देखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज. ओके, मैं यहां खड़ा हूं और वो ओरिजिन है, मेरा डिस्टेंस 2 है, ठीक? और मैं यहां से हिलूंगा नहीं, अगले सेकंड पे भी मैं यहीं खड़ा हूं. बोलो मेरा एक्स में क्या चेंज आया? चेंज इन एक्स क्या हुआ मेरा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो. आपको सर आप तो वहीं खड़े हो, तो ओके मेरा, आपने पूछा सर आपका स्मॉल चेंज कितना है, मैं कहूंगा बिग चेंज स्मॉल चेंज, क्योंकि मैं हिला ही नहीं, तो मेरा चेंज क्या है? जीरो. और स्मॉल चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी. तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है तो आंसर क्या देगा? जीरो. क्लियर है यहां तक? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर है? ओके. ये अपना टाइम के साथ सब समझ में आएगा, ये फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं. तो आप ये टेंशन ना लें कि ये मतलब कि क्या हो रहा है, ये मतलब घर जाएंगे, ये क्या सीखा. आपको आज लगा के दिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा, 4 फॉर्मूलाज, फिर अगली बार और 5-6 फॉर्मूलाज हैं. तो 8-10 फॉर्मूलाज के बेस पे आपको मोशन की प्रॉब्लम जो सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, फिर आप कहोगे यार ठीक है, मजा आ गया, अब समझ में आया ये करने की कोशिश क्या कर रहा था. राइट. तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप 10 बार पूछें, 15 बार पूछें, मुझे आगे ना चलने दें, जब तक आप अपने हाथ से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ना लें. क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी फिजिक्स में पूरा साल यही फॉर्मूला काम आएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है. मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले अपना तरीका बताऊंगा मैं कैसे करता हूं, ठीक है? फॉर्मूला बाद में, फॉर्मूला तो खुद बना दोगे आप, देखना अभी ध्यान से देखना. सपोज आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है किसकी? x रेज टू पावर 4 की. x की पावर आ गई, ये पावर रूल बोलते हैं इसे. पावर रूल का मतलब जब x की कोई पावर है, तो x की पावर कितनी है? 4 है. मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूं और फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगा. राइट. रूल क्या है? जो भी x की पावर है, बोलो कितनी पावर है x की? पहला रूल, जो मन करता है काट दो, 3 कर दो. ऐसे कैलकुलस चल गया तो फिर आज की क्लास में करना क्या था? वो ये काटना पीटना तो हम वैसे भी अलजेब्रा में सीखते ही हैं. एक्स एक नहीं कटेगा, ऐसे नहीं काटना कभी भी एक्स और एक्स को. बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये काटने वाली, नहीं काटना, फॉर्मूला लगाना है. आप कैसे काट नहीं सकते? जो भी पावर है, बोलो कितनी पावर है? पावर नीचे लिख लो. लिख लिया? लिख ली. किसकी पावर 4 थी? एक्स की. उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो. आपने कहा 2 क्यों नहीं? भाई मैथ्स कहते हैं 1 ही करना है तो 1 ही करना है. तो फॉर्मूला क्या कहता है? पहले पावर नीचे रख लो, जो भी एक्स की पावर है 4, जितनी भी पावर है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 1. कर दिया.
अभी रुका नहीं है, रुका नहीं है, ध्यान से, ये आखिरी स्टेप, ट्रिक, ध्यान से, फोर के ऊपर अपने मन में हाथ रख लो ऐसे, 2 मिनट के लिए, भूल जाओ ये पावर थी, तो आपको क्या दिखेगा, डीएक्स बाय डीएक्स दिख रहा है, अगर पावर ना होती तो क्या दिख रहा है, डीएक्स बाय डीएक्स, तो जो भी आपको दिख रहा है उसको पीछे इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, वो अलग बात है, डीएक्स बाय डीएक्स क्या होता है, 1, वो अलग बात है, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया, 4 × x की पावर कितनी, 3। अच्छा फिर से देखते हैं, ये तो 5-6 बार करना पड़ेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, फिर करते हैं, जैसे सपोज फिर से देखो, क्वेश्चन है कि डी बाई एक्स रेस टू पावर 7 बाई डी एक्स, मान लो ये कैलकुलेशन करनी है, राइट, बोलो पावर कितनी है, 7 नीचे रख लो, किसकी पावर 7 है, एक पावर क्या कर दो, देखो यहां तक तो बहुत बढ़िया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, सही है, वैसे यहां तक भी ठीक है, बट नहीं, रूल एक एक्स्ट्रा है, रूल क्या है, अगर इस 7 पे हाथ रख लें, है ना, आपने मन में सोचा 7 नहीं है, तो आपको क्या दिखता है, dx by dx, तो पीछे लगाना है, इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन इसलिए बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन की प्रॉब्लम में एक और क्या आ गई, डिफ्रेंसिएशन, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1, आप हो गए यार, जब वैल्यू ही 1 है तो क्यों लिखवाए जा रहे हो, चलो ये रूल है, लिख लो, अपने मन में मत लिखो, कॉपी में मत लिखना, लेकिन मन में कैलकुलेशन में तो लिखना है कि dx by dx 1 होता है, राइट, क्लियर है यहां तक, तो आंसर क्या आएगा, 7 × x की पावर कितनी, 6, कोई डाउट इसमें, फिर करते हैं, ये तो 8-10 बार, जब तक आप नहीं करोगे, करो सॉल्व, आप करना जरा सॉल्व, लिख लो, ठीक है, ओके, फिर देखो, चलो फिर देखते हैं एक बार, ये लो सॉल्व करो, एग्जांपल लिखो जरा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 9, तो कहां से शुरू करूं, क्या लिखूं सबसे पहले, 9, एक्स की पावर कितनी, 9 − 1, यहां तक क्लियर है, फिर 9 पे हाथ रखा, क्या दिखा, डी एक्स बाय डी एक्स, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 9 × x की पावर कितना, 8, कोई डाउट इसमें, ओके, फिर करो एग्जांपल, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 2, तो क्या आंसर होगा, बोलो, 2x raised to power 1, पावर नीचे, x की पावर 1 कम, और डी एक्स बाय डी एक्स तो 1 होता है, तो ऑब्वियसली लिखो ना लिखो, अपने मन में लिख सकते हैं इसे, ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 2x raised to power 1, क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ये कोई इसमें कोई क्या लॉजिक है, ये कैसे आया, ये तो मैथ्स के टीचर प्लस टू में कराएंगे, फिजिक्स में हमें चाहिए नहीं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अब ये भी मैथ्स खोल के बैठ जाए प्लस टू का, और ये पता करें ये कहां से आए, नहीं इतना नहीं है, हमें उतना टूल सीखना है कि बस हमारा पेज खुल जाए, मैथमेटिकल टूल काम चल जाए, मोशन, बस हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट करें, हमने क्या करना है, ये कहां से आए, तो ये मैथ्स का काम है, अपने आप करते रहेंगे, पर हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं, और कैसे सॉल्व करना है डेरिवेटिव, ये पता होना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, तो फॉर्मूला पता है क्या है मैथ्स का, ये मैं कैसे बना रहा हूँ, मैथ्स में अब लिखो फॉर्मूला लिखो, अब फॉर्मूला लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला खुद बना सकते हो, मान लो पावर रूल क्या कहता है, एक्स की पावर कितनी है, एन, तो बोलो क्या आएगा, एन, एक्स की पावर बोलो कितनी, एन माइनस 1, और एन पे हाथ रखा तो क्या बचा, डी एक्स बाय, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला अब याद करने की जरूरत है किसे, वैसे कई टीचर ऐसे करवाते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और नीचे क्वेश्चन देते हैं, फिर एन की पावर जैसे 4 है तो कहते हैं यहाँ 4 पुट कर लो, यहाँ 4 पुट कर लो, अगर 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो, अगर 7 है तो यहाँ 7, आप ऐसे कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गलती नहीं होगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, न्यूमेरिकल करना, एक डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो बोलना कैसे है, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स रेज टू पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो आंसर, पावर कितनी है? हाफ। एक्स की पावर कितनी है? हाफ। एक्स की पावर हाफ में से क्या माइनस करें? वन। तो हाफ माइनस वन क्लियर है। हाफ पे हाथ रखें तो क्या बचा? डी एक्स बाय, देखो वो तो वन होता है, वो तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस, यहां तो छोड़ दें, इट्स ओके, चलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे रूल लगा? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, डाउट है? फिर एक और एग्जाम्पल लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखो। चलो फिर ये देखो, लिखो d by dx of x raised to power 7/2, तो पावर रूल, पावर क्या है? 7/2, पावर इज 7/2, एक्स की पावर कितनी है? 7/2, क्या करें? माइनस वन, यही रूल है ना। और हाँ, वो इस पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा? डी एक्स बाय, वो अलग बात है कि चलो इसको वन पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7/2 एक्स रेज टू पावर कितना? 5/5. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सही फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। मोशन की 99% प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगी, बात खत्म। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करें, या पहले एग्जांपल नेक्स्ट लिख लिया सबने? नेक्स्ट इज नंबर कौन सा है? फोर्थ। ठीक, मैं ना एग्जांपल के साथ पहले काम करूंगा, फिर फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं फॉर्मूले याद करने में ज्यादा बिलीव करता, कमी हूं थोड़ा। कैसे? डी बाय डी एक्स ऑफ, पहले ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। डी बाय डी एक्स ऑफ, जैसे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, बीच में साइन क्या आ गया? दो टर्म्स की डिफ्रेंसिएशन है और बीच में प्लस है। तो मैथ्स या कैलकुलस का रूल ये कहता है, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। आप डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, आप डी बाई डी एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट को ओपन कर लें। क्या ये स्टेप क्लियर है? आपने डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया एंड इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब आपके सामने डिफ्रेंसिएशन के दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बन गए। बोलो इसका आंसर क्या होगा? पावर क्या है? 4। एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 3। मन में कैलकुलेट कर लू ना, 4 - 1 = 3, और 4 पे हाथ रखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या है? 1। छोड़ो, सीधा लिख दूं तो क्या आएगा इसमें? 4x3। नेक्स्ट पावर क्या है? 2। एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1। डी एक्स बाई डी एक्स क्या है? 1। आंसर, कुछ नहीं करना, अगर बीच में साइन प्लस आ रहा है, एक गलती कभी ना करना, एक्स को इनसे कैंसल कभी भी मत करना, समझो, फिर तो जीरो, खत्म, फिर नहीं बनती बात। आपने फॉर्मूला लगा के ही डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, क्लियर है? तो ये एग्जांपल क्लियर है। चलो ऐसे करते हैं, और 2x, हाँ वो तो कोई चक्कर ही नहीं, 4x³ + 2x इज द आंसर, डन, सही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, एक्स की पावर 1 और एक्स तो एक ही बात है, ठीक है। फिर करते हैं एक बार, फिर करते हैं। अच्छा एक और चीज सुन लो, अगर ये प्लस की जगह माइनस होता ना, तो फिर हर जगह क्या हो जाता? कोई फर्क नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें? मैंने क्या सिखाया कि आप इन्हें ओपन कर सकते हैं, तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना? 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर क्या है? एक्स की पावर 5। क्या ये पहला रूल सबको क्लियर है?
डी बाई डी एक्स को, अब डिफ्रेंसिएशन के दो क्वेश्चन बन गए ना, बोलो पहले का आंसर, 7 × x^6 − 5 × x^ कितना, आंसर क्या? ये स्टेप क्लियर है? पावर रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर तो हर में आनी आनी है, और पावर रूल सबसे इंपॉर्टेंट, चिंता नहीं भी आएगा तो वैसे ही एक लेक्चर में आ ही जाएगा, कम से कम 100 बार यूज कर लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब फॉर्मूला बताऊं मैथ्स का, मैथ्स का फॉर्मूला ये है, इसी में जो मैंने यूज किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, मतलब वो कहते हैं कि अगर ये दो टर्म्स हैं और आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, जैसे ये यू है और ये वी है, तो आप इसे ओपन कर सकते हो, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला क्या करना, हो गया बस, तो क्वेश्चन ही हो, जब क्वेश्चन ही सॉल्व करने को आ गए तो करना क्या है फॉर्मूला? और आप क्या सोच रहे हो, आप स्कूल जाओगे, आपसे पूछेगा, आप डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा, पूछना था स्कूल में ये, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता ही है फिजिक्स कहाँ से आएगी जब तक कैलकुलस नहीं आएगा, और सीधा मोशन से स्टार्ट करेगा। ये तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको आपकी फिजिक्स कल को वीक ना लगे, कि जितनी इसमें हाथ तेज चलेंगे उतना ही फिजिक्स आपकी बढ़िया चलेगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये भी लिख लो, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस है, अगर ये प्लस हो या माइनस हो तो यहाँ पर भी प्लस हो या माइनस हो, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक और फॉर्मूला लिख लिया आपने, ठीक है, बढ़िया है, तो करो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व। ये लो क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2, ब्रेक करो इसे, डी बाई डी एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करें, क्या करें, इसको d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म x की पावर कितनी, हाफ, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर कितनी, 3/2, क्या सबने कर लिया, कर लिया मल्टीप्लाई, ओके, पावर रूल लगाएं, पावर कितनी है, हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1, इसकी पावर कितनी है, 3/2, x की पावर 3/2 माइनस, देखो मैं वो रूल बंद कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स पता ही है इसका आंसर बनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आया, हाफ एक्स की पावर कितना, माइनस 3/2 एक्स की पावर कितनी, हाफ, डन। क्या है पॉइंट क्लियर है? ये तक छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, आप ये ना सोचें, कई लोग पूछते हैं कितना सिंप्लीफाई करना है, पूछ कौन रहा है आपसे, पेपर में दे कौन रहा है, चेक तो मैं नहीं करना है, ये बेसिकली आपकी जो प्रैक्टिस है, जो लाइव प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आंसर कैसा आएगा, उसमें ऐसा आंसर नहीं आता, उसमें थोड़ा बड़ी आंसर आते हैं, 2x, x, x square, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े नहीं आते, पर आपको मेथड समझ में आ रहा है, आप कैसे डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर एक क्वेश्चन और लिखो, एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x प्लस रूट एक्स, नहीं चलो रूट एक्स रहने देते हैं अभी यार, एक मिनट रुको, बस यही करो पहले आप, ये लो, चलो ये भी ना करो, रुको रुको रुको, ज़्यादा हो जाएगा, पहले थोड़े और छोटे छोटे न्यूमेरिकल ज़्यादा देता हूँ, फिर बड़ा करता हूँ, ओके लिखो, प्लीज़ क्वेश्चन चेंज करो, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले ये लिखो बस, 1/x, बस छोटा लिखो, फिर पहले पावर रूल पे जरा अपना हाथ कमांड पहले बिठा लेते हैं, फिर इकट्ठे चलते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, राइट, तो इसमें क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, पहले ठीक तरह करके लिखो, x की पावर क्या आएगी, माइनस, जब x ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस 1, कोई डाउट इसमें, क्या है पॉइंट क्लियर है, ओके, पावर रूल लगा लें, पावर रूल क्या है, बोलो पावर कितनी है, माइनस 1, x की पावर जितनी भी है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 1, dx बाई dx तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस x रेज टू पावर कितना, माइनस 2, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को, या कोई चाहता हो फिर से करके दिखाऊं, तो देखो कुछ नहीं किया, हमें पावर रूल आता है,
एक्स को ऊपर ले गए, रेस टू पावर माइनस वन, इसकी पावर क्या है माइनस वन, पावर नीचे माइनस वन, एक्स की जो भी पावर है माइनस वन में से वन माइनस कर दिया, तो माइनस वन माइनस टू, आंसर ठीक। क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट एक, अभी जरा प्लीज खुद करना ये वाला क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूला नहीं एग्जांपल्स है प्लीज, वन बाय एक्स क्यूब, d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, ये तीन क्वेश्चंस हैं, करो स्टार्ट, चेक करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आंसर्स मैच करें आप लोगों ने जो निकाले। तो पहला क्वेश्चन कैसे किया, d by dx of x को ऊपर लेके गए, क्या आया माइनस थ्री, कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है सबको? क्लियर है पहला स्टेप? ओके, पावर क्या है माइनस थ्री, इक्वल टू लिख लेते हैं, पावर क्या है माइनस थ्री, एक्स की जो भी पावर है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ माइनस फोर, dx by dx तो वन है, क्या लिखना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस थ्री एक्स रेस टू पावर माइनस फोर, राइट? क्लियर है यहां तक? तो पहला क्वेश्चन सबका क्लियर है, सबका ठीक आ गया, ओके। दूसरा क्वेश्चन d by dx ऑफ रूट एक्स, एक काम करें d by dx ऑफ x की पावर क्या है हाफ, अंडर रूट को क्या लिखेंगे हाफ, लगाएं पावर रूल, बोलो पावर क्या है हाफ, x की जो भी पावर है उसमें से 1 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, dx by dx तो 1 है आगे, तो आंसर क्या आएगा हाफ x रेस टू पावर कितना माइनस हाफ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितनों का आ गया, आ गया सबका, आ गया समझ में आ रहा है सबको? यही तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं आपको करने की, इट्स ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, इसमें d by dx ऑफ x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी बताओ माइनस हाफ, अंडर रूट नीचे है, अंडर रूट का मतलब हाफ है, जब ऊपर जाएगी रेस टू पावर माइनस हाफ, ऐसे ही है ना, रूल लगाएं माइनस हाफ इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ माइनस वन, माइनस हाफ पावर नीचे आ गई, x की पावर कितनी है माइनस हाफ, उसमें से क्या माइनस किया वन, तो आंसर क्या आया हाफ सॉरी माइनस हाफ एक्स रेस टू पावर कितना 3 बाई टू, क्या ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है सबको? यस ठीक। संजीत शिवांशी यस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है सही। इसका आंसर क्या होगा d by dx ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट क्या होता है एक्स की पावर इज वन बाई थ्री, क्यूब रूट का मतलब अंडर रूट का मतलब हाफ, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर कितना वन बाई थ्री, क्या आएगा वन बाई थ्री, एक्स की कितनी पावर है वन बाई थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट, तो फाइनल आंसर क्या आएगा वन बाई थ्री एक्स रेस टू पावर माइनस टू बाई थ्री, छोड़ दो यहीं तक डन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या मजेदार है, करना क्या एकदम फटाफट फॉर्मूले क्लियर चलता जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है?
जितना स्ट्रांग पावर रूल होगा उतना स्ट्रांग कैलकुलस होगा, क्योंकि हर में तो पावर रूल लग रहे हैं, जहां जाओगे पावर रूल। पावर रूल में है भी क्या, एन नीचे एक पावर कम, एन नीचे एक पावर कम, कुछ करना भी तो नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं डी, हाँ क्वेश्चन लिखे कैसे जाते हैं ये देख लो। क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर वन, वन बाय एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स का, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स की पावर थ्री माइनस सेवन। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसे डिफरेंशिएट करना है, फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स। तो पहले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट क्या, वन बाय एक्स का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। कोई डाउट इसमें? डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग का मतलब इन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या बनेगा, इसको लिखा वन बाय एक्स क्यूब और विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डी एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना, माइनस थ्री। माइनस थ्री, पावर रूल क्या है, माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस वन, क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फोर। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि कैसे, मतलब अगर स्टेटमेंट ऐसी आएगी तो क्या समझना है आपने इसमें, राइट? तो ये तो क्वेश्चन नोट कर लो दो मिनट, और ये होमवर्क करना है आपने, ये लो। ठीक है, जब आओगे ना मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँगा क्लास में, तो अपनी कॉपी पे एक बार मुझे चेक करवाना, ठीक है, मैं स्टेप्स चेक कर लूँगा कि जितना आपने किया कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मतलब ये नहीं चेक करूँगा आपको आता है कि नहीं आता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारे कोई मैं कौन सा सीखा हूँ कैलकुलस, मैंने भी यही सीखा, आप भी यही सीखोगे, तो बस ये देखना है कि कहीं आप मेजर गलती तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए बस कॉपी चेक कर लूँगा, राइट? अगर गलती कर रहे हो मैं वहीं करेक्ट कर दूंगा, राइट? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ये नोट करो। एक फॉर्मूला और करवाऊंगा, एक लाइन का है, इसमें यूज होगा नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप ये नोट कर लो। एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, एक फॉर्मूला नोट कर लेना प्लीज, फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर फाइव हुआ, कौन सा हुआ, फाइव, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइव एक्स रेस टू पावर फोर, मतलब फाइव और एक्स की पावर फोर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ फाइव इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स फोर, नहीं, अलाउड नहीं है। तो अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनमें से एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कॉमन बाहर निकाल सकते हो, तो बाहर निकालो क्या, फाइव, क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या, फोर। तो कांस्टेंट्स डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने का कुछ नहीं करना आपने, क्लियर है? अगर दो टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेना है, क्या स्टेप क्लियर है? हाँ, बाकी आपका न्यूमेरिकल सेम वैसे ही बनेगा, पावर रूल फोर एक्स रेज टू पावर थ्री, फाइव इंटू फोर क्या होता है, ट्वेंटी, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, दो टर्म्स हैं और यहां पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, वेरिएबल रह गया, इसको डिफरेंशिएट, पुराना ये तो पावर रूल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो
अगर सपोज करो क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, बोलो क्या होगा? अब बीच में साइन क्या है? प्लस। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लू? नहीं, कॉन्स्टेंट कब बाहर निकालता है? जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो प्लस है। प्लस का रूल क्या सिखाया था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? फाइव। क्या स्टेप क्लियर है? डिफ्रेंसिएशन को हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अगर प्लस है फिर से, हाँ वो अलग बात है। इसका आंसर क्या है? टू इंटू एक्स की पावर वन, और इसका आंसर क्या है? जीरो। आंसर दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाहर है और इसकी डिफरेंसिएशन, और अगर ये प्लस में जा रहा है फिर तो पता ही आपको डिफरेंसिएशन को दोनों तरफ से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला ही है बस, क्या करने फॉर्मूला लिख के, वो तो गया बस, डन हो गया। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला लिख के कन्फ्यूजन ज़्यादा उल्टा है इसमें। मैं ऐसे ही रूल समझ लेते हैं, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स की डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और अगर प्लस में है फिर तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ और।